राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में जोन स्तरीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार की मंशा के अनुरूप भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से होने वाले जोन स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ निगम महापौर निर्मल कोसरे द्वारा सोमनी वार्ड से किया गया। निगम महापौर निर्मल कोसरे ने बताया है कि कुल 5 जोन में विभाजित कर छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जरवाय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोमनी में सुबह 11 बजे से प्रारंभ कर शाम 5 बजे तक विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, फुगड़ी, लंगड़ी दौड़, रस्साकशी, पिट्ठूल, भौंरा, बाटी तथा अन्य पारंपरिक खेल पुरुष, महिला, बालक, बालिकाओं सहित स्थानीय लोगों की सहभागिता से खेल रहे हैं। वहीं विलुप्त हो रहे सांस्कृतिक पारंपरिक खेलों की छत्तीसगढ़ ओलंपिक के माध्यम से पुनर्जीवित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही विज्ञान और प्रतिस्पर्धा के दौर में पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों में शारीरिक बल और स्फूर्ति का होना भी आवश्यक है, जो उन्हें इन खेलों से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ के खेल हैं उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो हमारी खेले हैं लोग भूल जा रहे थे, उन खेलों को पुनः जीवित करने के लिए 14 प्रकार के खेल वार्ड स्तर में राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा आयोजित की गई है। उसके बाद जोन स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्डों को 5 जोनों में हम लोगों ने बांटा है, जिसका आज वार्ड नंबर 33 से लेकर 40 तक का सोमनी में ये जोन का गेम हो रहा है। सारे लोग काफ़ी उत्साह के साथ, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, इसमें उत्सुकता के साथ भाग ले रहे हैं। इसके बाद जो जोन स्तर से जो जीतेंगे खिलाड़ी उनका निगम स्तर में खेल होगा। निगम स्तर के बाद जिला स्तर में सिलेक्शन करके हम भेजेंगे। निगम स्तर में जो जीतेंगे कबड्डी में, खो खो में और रस्सा खींच में, उन महिलाओं को 10,000 रुपए का पुनः इनाम दिया जाएगा। बच्चों ने बताया कि जरवाय तथा सोमनी दोनों ही स्थानों पर क्षेत्रवासियों सहित आसपास के गांव से भी लोगों ने पहुंचकर खेल उत्सव का आनंद लिया है। इस आयोजन से उन्हें अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है। खेल को देखकर सभी ने अपने बचपन को याद किया है। मैं खेल महोत्सव के लिए माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मतलब शुभकामना धन्यवाद करता हूँ उनका कि इतना अच्छा आयोजन कराया। लेकिन एक कमी है कि जिन लोग बच्चे लोग खेलने आए हैं इतने सारे ग्राउंड में, उनके लिए खाना के लिए नाश्ता का व्यवस्था कराना चाहिए या उनके लिए एनर्जी ड्रिंक का व्यवस्था कराना चाहिए, इतना कमी है। बाकी सब ठीक है, बस उसी भी चीज़ का कमी है, बाकी सब ठीक है। यादव है, हम लोग सिरसा कला स्कूल से आए हैं और गांव वार्ड नंबर 37 से आए हैं हम लोग। ये तो खेल हो रहा है, आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जिसकी इच्छा थी, मतलब घर में घुसे रहते थे, उससे अच्छा मतलब माइंड बहुत फ्रेश लगता था। हम लोग रोज मैदान में जाते हैं खेलने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को इस खेल के बारे में उतना पता नहीं था, हम लोग बस ऐसे ही कुछ कुछ खेल खेलते थे। जब ये खेल नया आया तो हम लोग जाने कि बहुत अच्छा है खेल कर। हम इसके उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, मुख्यमंत्री के द्वारा उसको ना हम लोगों का जानकारी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। मेरा नाम मधु यादव है, मैं वार्ड क्रमांक 37 सिरसा भांठा से आई हूँ। और यहाँ जो राजकीय खेल महोत्सव हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है, उसका उससे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत घर में बैठे थे तो सीखने को भी मिला और प्रतियोगिता कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है उनसे प्रतियोगिता करके, और देखेंगे जीतेंगे। और युवाओं के लिए हम लोग के लिए संदेश आएगा कि ये जो खेल हो रहे हैं तो इससे जो थोड़ी जागरूकता भी बढ़ रही है और युवाओं में थोड़ा जोश भी आ रहे हैं और महिलाओं में भी जो सारे युवाओं में भी सभी में एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि ऐसा खेल आयोजन किया उन्होंने और सभी महिलाओं को, लड़कियों को घर से निकाला और खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए थैंक। बहरहाल इस आयोजन में महापौर परिषद के सदस्यों सहित नगर निगम के अधिकारी सहित वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट।